वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबाद का मशहूर खुबानी का मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक क्लासिक रेसिपी है और हैदराबाद में शादियों में सर्व की जाती है, बिल्कुल जिस तरह से बनाया जाता है ऑथेंटिक तरीका, वैसे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये इसका 250 ग्राम का पैकेट है, ये इस तरह से पैकेट्स में आता है, तो दो पैकेट्स मैंने डाली है, यानी ये 500 ग्राम खुबानी है। इसे हम पहले धो लेंगे अच्छे से ताकि कुछ कचरा हो तो निकल जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और पानी इतना डालना है कि सारी खुरबानियाँ अच्छे से डूब के एक इंच रहे। ये पानी बराबर हुआ है, बिल्कुल कम नहीं, ज़्यादा नहीं। देखिए, अब खुरबानियाँ अच्छे से भीग गई हैं, 5-6 घंटे हो गए हैं मुझे भिगाए हुए। अब हम इसमें से जो खुरबानी के अंदर बीन्ज होता है वो सीड निकाल के साइड में रख देंगे। इस तरह से सारे सीड्स निकाल के खुरबानियों को साफ कर लेंगे और भिगाना ज़रूरी है, भिगाने से ही ये सीड अच्छे से निकल जाता है। देखिए, जितना पानी मैंने यूज़ किया था वो बराबर हो गया है मीठे के लिए, तो उतना ही आप पानी ऐड करें। अब देखिए, हम मीडियम फ्लेम पे खुबानियों को पहले 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। मेक श्योर करें कि स्टोव की फ्लेम मीडियम रहे, नहीं तो नीचे से लगेगा ये। और 10 मिनट के लिए देखिए ये पक गया है, अब खुबानियाँ पकने लगी हैं। तो अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, तो जितनी खुबानी होती है उससे ज़्यादा ही शक्कर डाली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे 500 ग्राम खुबानी है तो 500 ग्राम के करीब ही शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप अगर आपको मीठा ज़्यादा खाने की आदत है तो आप 600 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट वही है, यानी एक किलो मीठे के लिए 1200 ग्राम शक्कर डाली जाती है, लेकिन मैं मीठा थोड़ा सा कम खाती हूँ इसीलिए मैंने सिर्फ 500 ग्राम शुगर ऐड की है। अब हमें शक्कर के साथ में भी खुबानी को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। इस तरह से जब खुबानी पकेगी कि तो बहुत टेस्टी बनेगी और ये शीरा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। एक दो बार बीच में हम इसको हिला लेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। अभी यह शीरा गाढ़ा होगा तब तक हम इसको पका लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने जितना पानी लिया था वो बराबर हुआ है। देखिए, अब ये शीरा भी गाढ़ा हो गया है। 20 से 25 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि खुबानी का मीठा जो है वो चिल सर्व किया जाता है, यानी बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाता है। आप देख सकते हैं शक्कर का, शीरे का कलर भी अब चेंज हो गया है। इतना हमको पका लेना है। अब देखिए, जो बीज निकले थे इसे हमने तोड़ लिए हैं, इसके बादाम हमने निकाल लिए हैं, ये इसी में ऐड कर देंगे। मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो इसलिए मैं छिलका नहीं निकाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे, सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और बहुत ही लजीज मीठा बनता है ये, बहुत ही टेस्टी। अब वैसे तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिखने के लिए अच्छा लगेगा इसलिए मैं इसमें 4 से 5 पिंच रेड फूड कलर के ऐड कर रही हूँ। अगर आप अवॉइड करना चाहेंगे तो कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं सर ये ऐड कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाना है क्योंकि ये खुरबानियाँ जो है, खुबानी टूटनी नहीं चाहिए। तो कलर मिलाने के बाद में अब मुझे ये कलर करेक्ट लग गया, तो 5-6 पिंच मैंने इसमें रेड फूड कलर के ऐड कर दिए। अब हमारा खुबानी का मीठा सर्व करने के लिए रेडी है, बिल्कुल ठंडा इसे सर्व करें। और जो बादाम थे ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए हैं। ये मैं घर की ही मलाई ऐड कर रही हूँ, जो फुल फैट मिल्क पे जो मलाई आती है वही इस पे मैंने ऐड किया है, बहुत टेस्टी लगी है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम जो अमूल का आता है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घर की मलाई ही ऐड कर रही हूँ। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत टेस्टी हुआ था, तो आप मलाई से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक हैदराबादी शादियों के खुबानी के मीठे की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए, अगर आपने नहीं किया है। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो इसकी एक पिक मेरे से इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें, वहाँ पर भी मेरा पेज सेम प्योर कुकिंग है। देखिए, निकाल कर बता रही हूँ, बिल्कुल खुबानी टूटी नहीं है और पानी बिल्कुल बराबर हुआ है। तो भिगाते वक्त 1 इंच ऊपर रख दें आप पानी, तो बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह।